लखनऊ में पेट्रोल पंपों पर पड़े छापे में चोरी का मामला सामने आया है। एसटीएफ के छापे में उन 7 पेट्रोल पंपों की जांच की गई थी जहां कम पेट्रोल देने की शिकायत दर्ज हुई। इस जांच के बाद ये सच सामने आया कि इस तरह से यहां रोजाना 40 से 50 हजार तक का पेट्रोल चोरी किया जा रहा था। धोखाधड़ी सामने आने पर कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया और कई मशीनों को सील कर दिया गया। जानकारी के दौरान इस कार्यवाही में जिला प्रशासन, सप्लाई विभाग, तेल कंपनियों के प्रतिनिधि व कई बड़े अफसर मौजूद थे। ग्राहकों की शिकायत के बाद सामने आया ये सच काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम 2 रुपए बढ़ने या घटने पर ही गली मोहल्ले में नीतियों पर तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। ऐसे में इस तरह की धोखाधड़ी जघन्य अपराध है। तमाम खबरों की जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें टॉप न्यूज़ जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज़ से दीक्षा की रिपोर्ट।